करेक्शन के इफेक्ट बताएं क्या होंगे, एसिड इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज होगा, कितने से? 1600 से। एसिड इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज हो गए 1600 से। अच्छा, इसके बाद सेकेंड थर्ड थर्ड अच्छा में क्या हुआ? और गुड्स फॉर कैश, अच्छा गुड्स आई आपके पास, एसेट इंक्रीज हुए, कैश पे के आपने, एसेट डिक्रीज हुए। अच्छा, तो एसेट इंक्रीज और एसेट डिक्रीज, नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये हमने अलग अलग लिख लिया ना, गुड्स आ रही है एसेट इंक्रीज और कैश पे के हमने एसेट डिक्रीज हो गए। ओके, बाकी इधर कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो कर दें इसको भी, जीरो कर दें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब क्या है? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, एसेट इंक्रीज 600 और लाइबिलिटीज इंक्रीज कैपिटल जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा देखिए, गुड्स जो नॉर्मली हम सेल करते हैं वो प्रॉफिट रखकर सेल करते हैं ना, प्रॉफिट ऐड करके। आपने 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी है तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके ही सेल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ अगर मेंशन तो नहीं है कितने में आपने खरीदी, कितने में सेल की, हम सपोज कर लेते हैं कि ये 86 की हम सेल कर रहे हैं, तो ये हमने गुड्स सपोज बाय की थी 80 की, 80 में हमने बाय की, तो इसका प्रॉफिट ऐड किया 86 में सेल कर दी, ठीक है। अब क्या इफेक्ट होंगे? ये कैश आया, एसेट इंक्रीज हो गए 86 से, और गुड्स हमारी गई, एसेट डिक्रीज हुआ। अच्छा, गुड्स सपोज कितने की थी? 80 की, 80 से आपके एसेट डिक्रीज हो गए। जब जो 6 है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया ना, इनकम प्रॉफिट कहेंगे ना, 80 की गुड्स आपने 86 में सोल्ड की तो 6 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, अब क्या करें, प्रॉफिट को कहाँ लेके जाएं? हाँ देखिए, कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होती है ना, आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक। अच्छा, अब आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आप चाहें तो बिजनेस से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल के घर ले जा सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन्वेस्ट की, कि हमने जो प्रॉफिट हुआ टैक्स का वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट किया, तो इससे आपका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही है, दोनों साइड इक्वल हो गई। अच्छा, इसके बाद एक तो ये चीज है, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? तो रिटर्न गुड्स है, बाकी ये सब है। अच्छा, होता क्या है देखिए, अब ये तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की हद तक, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे ना, रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं भाई हमने गुड्स खरीदी है 600 की। अच्छा सपोज इसको हम पूरे अमाउंट सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट चेंज करते हैं अपने समझने के लिए, जो हमने 600 की गुड्स बाय की सब हमने सोल्ड कर दी 800 सपोज कर ले, आपका कैश कितना आया? 800 गुड्स गई, 600 की 200 का आपको प्रॉफिट, का आप क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर लें, दोनों साइड बराबर हो गई, ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन अब इस तरह क्या होगा, हर दफा आप गुड्स बाय करेंगे आप एसेट कहेंगे इंक्रीज हुआ है, फिर आप गुड्स सोल्ड करेंगे आप कहेंगे एसेट डिक्रीज, फिर आप प्रॉफिट निकालेंगे, फिर कैपिटल में ऐड करेंगे, तो बार बार आपको क्या है, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, फिर उसको ऐड करें, फिर प्रॉफिट कितना हुआ उसको ऐड करेंगे, तो इस तरह आपकी कैलकुलेशन रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना, कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आप अपना प्रॉफिट निकालने बैठिए, फिर एक ट्रांजेक्शन की प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो पूरा दिन आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने में ही निकल जाएगा ना, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल हो जाएगी आपके, ठीक। तो इसके लिए हम करते क्या है, इससे बचने के लिए ट्रीट क्या, तो अब हम जब गुड्स बाय करेंगे ना, देखिए हम अपने गुड्स बाय सेल किए कितने में, इसको आप क्या कंसिडर करेंगे, 800 को आप लेंगे इनकम, जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो आप कहेंगे आपकी इनकम बढ़ गई, और जब आप गुड्स बाय करेंगे तो आप कहेंगे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ये 600 की गुड्स खरीदी हमने 800 में सोल्ड कर दी, तो 600 तो हमारी कॉस्ट हुई ना,
600 में खरीद के 800 में बेच रहे हैं, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, वो तो बात की बात। ठीक, तो जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, और सेल कर रहे हैं तो इनकम आपकी बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है ना। गुड्स सेल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे टीएसए की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक एडमिशन हुआ इनकम आई, दो एडमिशन हुए और फीस आ गई इनकम बढ़ गई, तीसरा एडमिशन हुआ इनकम, तो हर एडमिशन पे इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज। सही, तो इसी तरह ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो हर आइटम सेल करने पर आपकी इनकम बढ़ेगी ना, इनकम बढ़ेगी और खरीदते हुए आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो जब भी हम गुड्स बाय करेंगे तो उसको हम ट्रीट करेंगे कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो आप कहेंगे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और फिर जब ईयर एंड होगा ना, ईयर एंड जब होगा तो हम अपनी इनकम का टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा होगा आपका प्रॉफिट, और उससे फिर आप कैपिटल में ऐड करेंगे। प्रॉफिट लॉस जो है वो हम एंड पे कैलकुलेट करते हैं, हर ट्रांजेक्शन के बाद कैलकुलेट नहीं करें। ठीक है, तो इसलिए मैं याद रखें जब भी हम गुड्स बाय करेंगे, बहुत गुड्स होंगी तो आपने इफेक्ट क्या बताना है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इसको किस साइड में ले जाएंगे, एसेट में, एक्सपेंस में, एक्सपेंस में जाएगा ना, एक्सपेंस और कॉस्ट आपकी एक ही बात है, एक्सपेंस या कॉस्ट। ठीक है, और सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज। तो जब भी आप बाय करेंगे तो अब हम कहेंगे एक्सपेंस इंक्रीज, और सोल्ड करेंगे तो आप कहेंगे इनकम इंक्रीज। अभी याद रखिए, जैसे अब थर्ड वाली, थर्ड में आप क्या कहेंगे, बॉट गुड्स फॉर कैश, इसमें दो इफेक्ट्स क्या होंगे आपके, एक्सपेंस इंक्रीज। अच्छा, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये डेबिट होंगे, और कैश पे बाय किया तो आपका एसेट डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है, तो थर्ड, जब भी हम गुड्स बाय करेंगे तो आपने इफेक्ट क्या बताना है, आपकी कॉस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुए और एसेट डिक्रीज हुए। अच्छा, अब सेवन में क्या हुआ, टेंथ, सोल्ड गुड्स है, गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं फॉर कैश, तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएगा, और सेल हमने की है तो आपकी इनकम इनकम इंक्रीज होगी, और इसके लिए रूल क्या, इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट। ठीक है, अब ये याद रखिए, इससे क्या होगा, हम पूरे साल एक्स कॉस्ट और इनकम रिकॉर्ड करते रहेंगे, तो जब ईयर एंड होगा तो इनकम में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, इजी हो जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा, तो बार बार हमें हर ट्रांजेक्शन के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इस तरह होगा। ठीक है, तो जब आप भी याद रखिएगा, ठीक, इफेक्ट्स इसको चलें कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन तो गई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1600, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। अच्छा, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, तो डेबिट में से अब हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस के नाम, जब भी हम गुड्स बाय करेंगे तो परचेज का अकाउंट बनेगा, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कॉपी बात नहीं कीजिएगा अभी, परचेजेस डेबिट, तो परचेजेस के नेचर क्या होगी, एक्स नहीं, गुड्स नहीं आता, बताता हूँ उसकी रीजन भी बता देता हूँ, गुडविल तो अलग चीज है, गुडविल कहाँ से आ रही, गुडविल तो अलग चीज है, गुडविल कहाँ, गुड्स। अच्छा, इसके बाद सेवन, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें वही एक्सपेंस इंक्रीज हुए, परचेजेस डेबिट और क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाए। ठीक है, अच्छा, टेन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब इसमें आपका कैश इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज, डेबिट, और गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स के नाम, तो जब भी गुड्स सोल्ड होंगी सेल्स का अकाउंट बनेगा।
अब आप कह रहे थे कि हमने यहाँ परचेज के टाइम पर गुड्स क्यों नहीं लिखा। देखिए अगर यहाँ हम डेबिट में ही परचेज की जगह लिख दें गुड्स, गुड्स डेबिट। अच्छा सेवन में भी हमने परचेज की जगह लिख दिया गुड्स डेबिट। अच्छा फिर टेन में सेल की जगह क्या है, जगह क्या आएगा, यहाँ भी तो गुड्स आएगा ना फिर, तो डेबिट में भी गुड्स क्रेडिट में भी गुड्स। तो पता कैसे चलेगा आपको कौन सी आपने परचेज की कौन सी आपने सेल की, डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना। फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इनकम कितनी है कॉस्ट कितनी है, तो इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अकाउंट बनेगा। जब भी हम गुड्स बाय करेंगे तो परचेज का अकाउंट बनेगा और गुड्स सोल्ड करेंगे तो सेल। अब इससे आपको पता चल गया यहाँ आपने गुड्स बाय की है, यहाँ आपने गुड्स बाय की है और यहाँ आपने गुड्स सेल, तो डिफरेंशिएट हो गया, दोनों अकाउंट्स अलग हो गए। अगर गुड्स गुड्स लिख देंगे तो ये सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए ठीक यहाँ तक कॉपी कर लें और इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर ऑफ करेंगे। नेक्स्ट है कंपनी ने रिटर्न गुड्स एफर्ट। अच्छा ये देखिए सेवन को हमने एफर्ट से गुड्स बाय की थी क्रेडिट पर, अब उसमें से कुछ गुड्स हमारी फॉल्टी थी जो हमने उसे रिटर्न कर, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। अब रिटर्न कर रहे हैं तो लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब देखिए सेवन में हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, तो अब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएंगे, अकाउंट्स पेबल डेबिट। और अब हमने गुड्स रिटर्न की तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी ना, कॉस्ट कम होगी एक्सपेंस कम होंगे, तो कॉस्ट एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड करेंगे फिर हम परचेज रिटर्न नाम। गुड्स बाय करेंगे तो परचेज का अकाउंट बनेगा, गुड्स रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न का अकाउंट। ये एंट्री हो गई लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। 18 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो एंट्री होगी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल। 21 रिटर्न गुड्स, इसी को हमने रिटर्न कर दिया 2 दिन बाद, तो एंट्री हो जाएगी अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। एक एंट्री और है 24 सोल गुड्स टू बी स्क्वायर ऑन क्रेडिट। अच्छा इसके इफेक्ट बताए क्या होंगे, गुड्स गुड्स सोल्ड कर रहे तो इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज हो रही है गुड्स हमने सेल की, इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट, और सेल कैसे कर रहे हैं क्रेडिट पर, क्रेडिट पे सेल की है तो अभी हमारे लिए रिसीवेबल हो गए ना, अब हमारे रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट। रिसीवेबल की नेचर क्या है, एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और गोल्ड हमने सोल्ड की इनकम इंक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज डेबिट इनकम इंक्रीज क्रेडिट। क्लियर, लास्ट में कॉपी कर लें। पेज एफर्ट अकाउंट्स बाय कैश, एफर्ट को पे कर रहे हैं क्योंकि हमने सेवेंथ को गुड्स बाय की थी ना, कैश जो जाएगा लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट अकाउंट्स पेबल और एसेट डिक्रीज क्रेडिट कैश, अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। लास्ट ट्रांजेक्शन है बी स्क्वायर पेड अस हिज अकाउंट इन कैश, सब हमें क्यों पे कर 24 को हमने गुड्स सेल की थी क्रेडिट पर, अब 31 को उनके पैसे आ रहे हैं, कैश आया एसेट इंक्रीज कैश हो जाएगा डेबिट, और जब हमने सेल की थी उस वक्त रिसीवेबल इंक्रीज हुए थे, अब कैश रिसीव हुआ तो रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट पर लिख लेंगे अकाउंट, इसलिए एसेट इंक्रीज डेबिट एसेट डिक्रीज
क्लियर, ठीक है कॉपी कर ले। इसके बाद आपका अच्छा होमवर्क आपका 3.2 और 3.3 दो क्वेश्चन होमवर्क में कर ले, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास। हाँ जी।